उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बड़ा गांव में हनुमान शिला के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने हनुमान मुख मंडल के दर्शन प्राप्त किए। ग्राम बड़ा गांव के हनुमान शिला के समीप औली पहुंचने के लिए वैकल्पिक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य की घोषणा की गई थी। बता दें कि जिसके पहले चरण में 15 किलोमीटर की स्वीकृति घोषणा फिलहाल बताई जा रही है, जिसका दौरा करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हनुमान शिला के पास पहुंचे। सन 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में 9 नवंबर स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर कहा था कि हनुमान शिला से औली तक वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पर अमल किया जाएगा। जब हनुमान शिला के पास पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे तो उनके साथ कई बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं बात करें भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता राकेश भंडारी की, तो उन्होंने कहा कि हमारे ग्राम सभा बड़ा गांव में पूर्व मुख्यमंत्री का 2 बार आगमन हो चुका है, जिसके लिए हम सब समस्त ग्रामवासी उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत हम लोग बहुत खुश हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 2 बार हमारे ग्राम पंचायत बड़ा गांव में आ गए हैं। पिछली बार वो आए थे जब वो भविष्य बद्री गए थे दर्शन करने, और उससे पहले 2020 में उन्होंने जो है गैरसैंण में जो है 9 नवंबर स्थापना दिवस के टाइम पर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि जो ये जोशीमठ से औली वाला जो मोटर मार्ग है उसमें शीतकाल में, क्योंकि काफ़ी घना जंगल है वहाँ पे, काफ़ी बर्फ़ पड़ती है और कीचड़ बैंड से ऊपर गाड़ी नहीं जाती है और यात्रियों को बहुत परेशानी होती है, तो हमने उनसे निवेदन किया था कि अगर औली से और ये हनुमान शिला से ग्राम पंचायत बड़गांव के हनुमान शिला से औली तक 15 किलोमीटर वैकल्पिक मोटर मार्ग की उन्होंने घोषणा की थी। और अभी पुनः जब यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने, कल आपने देखा होगा जब वो बद्रीनाथ जी से आ रहे थे तो पटमिला में एक स्थान है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि भविष्य में जो हमारे नरसिंह भगवान जी हैं उनका जो हाथ धीरे धीरे, अगर जिस दिन वो निकल जाएगा उस दिन जो है पटमिला बंद हो जाएगा, वहाँ झील बन जाएगी और भविष्य बद्री जो दिन प्रतिदिन जो है हमारे वहाँ पर जो आकृति ले रही है मंदिर में, उसी तरह हमारा जो है भविष्य बद्री से पहले हमारा ये जो आपका हनुमान शिला देख रहे हैं ये हनुमान चक्की के नाम से फेमस होगा। और अभी हमारे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं उनको हमने जो है 42 वर्षों उपरांत जो हमारा सीता माता का महायज्ञ ग्राम बड़गांव में हुआ था, हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था, वो खुद वहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा कि जो पूर्व घोषणाएँ उस पर तुरंत अमल होगी। और मैं खुद देहरादून जाके आ रहा हूँ, उसका पुनः जो है इस 15 किलोमीटर का जो रोड है इसका जो है पुनः आकलन उन्होंने नया मंगवा दिया है और अभी कुछ समय बाद जो है इसका सर्वेक्षण होगा और ग्राम पंचायत बड़गांव से औली तक ये मार्ग बनेगा। उसमें सुंदारी मेराग और आपका क्या कहते हैं, देखिए जब मैं यहाँ पर एक बार बड़गांव में आया था प्रवास पर तो वहाँ पर डिमांड रही थी जी गाँव के प्रधान जी के द्वारा हनुमान शिला से औली के लिए अगर मार्ग बनेगा तो ये पूरा क्षेत्र विकसित हो जाएगा, और तब मैंने इसकी घोषणा की थी। लगभग मेरे ख्याल से 14-15 किलोमीटर करीब ये मोटर मार्ग बनेगा। यही जो हमारे पीछे हनुमान शिला है और जो ये सड़क है मेरे बाईं तरफ पीछे, ये भविष्य बद्री और आगे अगर सीधा जाए हम तो हमारी बॉर्डर रोड भी है। ये भविष्य बद्री के दर्शन के लिए लोग जाएंगे तो यहाँ पर ये हनुमान शिला बता रहे हैं कि स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पर हनुमान जी की मूर्ति उभर रही है विशाल शिला पर। ऐसी जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो वहाँ पर भी हनुमान चट्टी है बद्रीनाथ जी से पहले, तो लोग ये मानते हैं कि जब भगवान बद्रीनाथ भविष्य बद्री में दर्शन देंगे तो ये हनुमान शिला जो यहाँ पर ये हनुमान चट्टी जैसे है वैसे ये हनुमान शिला का भी मान्यता होगी।